ग्रेविटी एक बहुत बड़ी फोर्स है देखने में, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरी पूरी गैलेक्सी सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही आपस में जुड़ जाती हैं। हमारा सोलर सिस्टम इकट्ठा जो हुआ हुआ है वो भी सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हुआ हुआ है। लेकिन फिर भी ये सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा कि ग्रेविटी अब तक की डिस्कवर्ड फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीक फोर्स। अब क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि गैलेक्सीज को एक दूसरे से जोड़ देती है, तो क्या ये फोर्स वीक है? देखिए, वीक या स्ट्रॉन्ग वो तो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप इसे क्या सोचते हैं। लेकिन अगर हम पूरी लिस्ट बनाएं कि हमने किस किस फोर्स को डिस्कवर कर लिया है, तो उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है वो ग्रेविटी हमें मिलती है। उससे दूसरे नंबर पर जो फोर्स भी है वो भी इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। चलो मैं आपको एक कंपेरिजन के लिए एक चीज़ बताता हूँ कि अगर हम ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपेरिजन करें, हम एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको अगर हम देखें तो वो 1 क्वार्टिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटी से। क्वार्टिलियन का मतलब है एक लिख के साथ 30 जीरोज लगा दें, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है अगर ग्रेविटी से कंपेयर करें। मतलब कि अगर हम उन्हीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स डालें तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगी, लेकिन अगर हम उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स डाल दें तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 1 क्वार्टिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होगी। और अगर आप गौर करें तो देखेंगे कि आप ग्रेविटी को हर रोज ही ओवरकम कर रहे हैं। आप कोई बुक उठाते हैं तो आपने ग्रेविटी को हरा दिया, आप जंप करते हैं तो आपने ग्रेविटी को हरा दिया। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि ग्रेविटी एक्चुअली इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। तो जो ग्रेविटी है और वेट है दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ये एक्चुअली दूसरा सेगमेंट है वीडियो का। अब ये चीज़ वैसे तो बड़ी आसान लगती है कि ग्रेविटी और वेट वाकई अलग चीज़ है, इसमें कौन सी बताने वाली बात है। लेकिन चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में जो स्पेस स्टेशन होते हैं उनमें फ्लोट करते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि यार वहाँ तो ग्रेविटी नहीं है, जीरो ग्रेविटी के अंदर रह रहे हैं और यही वजह है कि जिसकी वजह से वो फ्लोट कर रहे हैं, ग्रेविटी जो नहीं है। एक्चुअली ये ट्रू नहीं है। ग्रेविटी जो एस्ट्रोनॉट के ऊपर एक्ट कर रही होती है वो अर्थ की ग्रेविटी का 90% होती है। यानी कि कह सकते हैं कि आप ग्रेविटी का मसला नहीं है, मसला है वेट का। वहाँ जीरो ग्रेविटी नहीं होती, वहाँ जीरो वेट होता है। एस्ट्रोनॉट बिल्कुल ही वेटलेस होते हैं एक स्पेस स्टेशन में, क्योंकि एक्चुअली वेट जो होता है वो फोर्स होती है जो कि ग्राउंड किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाता है जो अगर वो अर्थ के ऊपर हो, तो ना तो वो अर्थ के ऊपर और ना ही ग्राउंड उनके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है। यही वजह है कि वो वेटलेस है, ये नहीं कह सकते कि ग्रेविटी नहीं। तो ये हमारा फैक्ट 3 और एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखें, आइजैक न्यूटन ने कहा था कि आप कोई भी चीज़ गिराओगे तो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचेगी और वो उसके ऊपर जाके गिरेगी। लेकिन जो मतलब एक आइंस्टीन है उन्होंने बिल्कुल ही अलग चीज़ कही। उन्होंने एक जनरल रिलेटिविटी थ्योरी पेश की और उसके मुताबिक अर्थ खुद ऊपर जाके उस चीज़ को मतलब एक टच करता है, उसके ऊपर जाके उसको लगता है ज़ोर से। मतलब कि चीज़ नहीं गिरती, अर्थ ऊपर जाके उसको लगती है। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन छोड़ो, मैं तो सिर्फ आपको इस थीरी का इंट्रोडक्शन दे रहा था, क्योंकि आगे जो चीज़ बता रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो ये है कि जो ग्रेविटी है वो एक ऐसी वेव्स जनरेट करती है जो कि स्पीड की लाइट से मतलब स्पीड की लाइट के इक्वल स्पीड से ट्रैवल करती हैं, यानी कि ऐसी फास्ट वेव्स, और इनको ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। कि अगर हमें 40 सालों से पता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं और साइंटिस्ट इनके बारे में मुख्तलिफ प्रेडिक्शन भी देते आ रहे हैं, लेकिन ये फिनोमिनल 2016 में ही कन्फर्म हुआ है कि जो ग्रेविटी है वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट करती है और ये वेव्स इतनी फास्ट होती हैं कि ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के इक्वल होती हैं। यानी कि अगर आज लाइट मतलब आज हमारा जो सन है वो बिल्कुल गायब हो जाए, तो सन की लाइट जिस टाइम हमें पहुँचेगी उसी टाइम जो सन का ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 8 मिनट लगते हैं तकरीबन सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में। अगर सन गायब हो गया तो 8 मिनट बाद ही हमें अचानक से अंधेरा दिखेगा और 8 मिनट बाद ही पूरा सोलर सिस्टम बिखर जाएगा। उससे पहले नहीं बिखरेगा, क्योंकि 8 मिनट तक उसकी ग्रेविटी का असर मौजूद रहेगा, उसके बाद ही जाके गायब हो जाएगा। यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स और जो लाइट वेव्स हैं वो बिल्कुल एक ही टाइम पर एक्ट करेंगी। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।